नाचो यार। जगन क्या कर रहा है तू? उनके संदीप जी खड़े हैं यहाँ पर, क्यों इज्जत गिरा रहा है उनकी? वैसे डॉक्टर साहब आप बताइए, आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज है जो इस हरजीत को हुई है? जी, इतने गिरे हुए लोगों में मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमें तो बताया गया था कि ये गांव के सबसे इज्जतदार लोग हैं ये, पर ये तो कतई बेशर्मी वाली हरकत है। जब बाप का ये हाल है तो बेटे का हाल क्या होगा? अब तो मुझे लग रहा है कि वो लड़की जो कह रही थी वो सही थी। हम इसी वक्त अभी ये रिश्ता तोड़ते। डॉक्टर साहब रुकिए, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे फंसाया जा रहा है। वो इस औरत ने फंसाया मुझे। इसने मुझे जबरदस्ती दारू पिला के मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। मुझे गलत मत समझिए, ये है ही चरित्र है। चल आस्था। डॉक्टर साहब, बताओ हमेशा देखा है लड़के वालों को रिश्ता तोड़ते हुए, लेकिन लड़की वालों को रिश्ता मुंह पे फेंक के मारते हुए पहली बार देखा है। इसे कहते हैं बिना आवाज का तमाचा। बिना आवाज का जो तमाचा होता है ना, उसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है। बेटे की शादी टूटना और अपनी इज्जत का ढीकरा फूटना। मुबारक हो हरजीते। अरे एक और बात सुनता जा, तुझे खुली चुनौती दे रही हूं मैं। जाके करके दिखा अपने बेटे की शादी किसी और से। ये अंबा कवन्या का वादा है तुझसे। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना, तेरे बेटे की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी कभी भी। कभी लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभीरू मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।